नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली एक और नए वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अपडेट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही आने वाले टाइम में आपको क्या क्या मिल सकता है, मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिगर टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। आज से पहले आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाई, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हो, चाहे किसी कंपनी में डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सफल हो पाए। हम बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में जो टॉप पर लीडर्स रहते हैं उनको देखकर उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप उनके फॉर्मूले को अपनाओगे तो 100% चांस है कि आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे, लेकिन आपको रियलिटी के साथ बढ़ना पड़ेगा आगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे लीडर हैं जिन्होंने ऑलरेडी बड़ा पैसा बना लिया मार्केट से, कंपनियों से, और कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके साथ अगर हम जुड़ते हैं, ठीक है, और वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का कैलकुलेशन क्या है, वहाँ का प्रोडक्ट क्या है, वहाँ से कैसे आपको इनकम मिलती है, कैसे उनको इनकम मिलती है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हो और उन सारी चीज़ों को अगर आप समझते हो तो आपको रियलिटी का आभास होगा कि एक्चुअल में वो व्यक्ति जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर आपको पहुँचने में कितना टाइम देना होगा। साथ ही क्या पॉसिबल है, क्या हम तालियाँ ठोकते रहेंगे या हमारे लिए भी तालियाँ बजेंगी। इन सारी चीज़ों को देखने से पहले आपको किसी भी कंपनी की कुछ फंडामेंटल पर काम करना होगा, जैसे कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। कंपनी का प्रोडक्ट चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, अगर कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है तो सबसे पहले आपको उसको मार्केट से तुलना करनी होगी कि क्या ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लोगों को बताने जाते हैं तो लोग इसको ही क्यों खरीदेंगे। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेच रही हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ही उन कंपनियों से ज़्यादा बेस्ट क्यों रहेगा, ये आपको चीज़ें समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट लेटेस्ट होना चाहिए। आप वही सारी घिसी पिटी चीज़ें नहीं लेके आएँ जो ऑलरेडी हज़ारों कंपनियां लेके आई हुई हैं, हज़ारों लोग वो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप कुछ लेटेस्ट एडवांस और कोई नई चीज़ लोगों के सामने रखोगे तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा और लोग उसको अच्छे से लेंगे, उसको एक बार टेस्ट जरूर करेंगे कि हाँ कोई नई चीज़ है, कोई नया प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो, चलो इसको यूज करके देखते हैं। और अगर गलती से भी उस व्यक्ति को आपने सही प्रोडक्ट दे दिया जिसके एक्चुअल में रिजल्ट अच्छे हैं तो वो व्यक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको और भी पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी किन किन लीगल और किन किन डॉक्यूमेंट के साथ मार्केट में आई है, सबसे पहले ये चीज़ भी आपको देखनी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, लोगों को पसंद आ रहा हो, लोगों को बेनिफिट हो रहे हो, लेकिन अगर कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम नहीं कर रही है तो आप किस लेवल पे हो, आपने कब से काम स्टार्ट किया, आपने जीरो से काम स्टार्ट किया, आप धीरे 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 करके अच्छे लेवल पे पहुँचे जहाँ आप लाखों रुपए पर डे की इनकम करने लगे होंगे, लेकिन वहीं पर अगर कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है और किसी कारणवश कंपनी पे कोई प्रॉब्लम आती है और कंपनी बंद हो जाती है तो आपकी सारी मेहनत, सारी आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है पूरी पे पानी फिर जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कंपनी जिस वे में काम कर रही है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, क्या वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है, कंपनी में इनकम जो आपको दी जा रही है क्या वो इनकम आपके अमाउंट के किस रेशो में आती है, कितना परसेंट है, कैसे कैसे दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, आपको दिया जा रहा है वो कुछ और है, और आप जो कंपनी को दे रहे हैं वो कुछ और है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर इतनी सारी कंपनियाँ चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल क्यों हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम पर मार्केट में जो व्यक्ति 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके
मार्केट में काम कर रहा है, आपके पास जाने अनजाने में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, तुम तो आज के छोरे हो, मैं कब से काम कर रहा हूँ, हर एक कंपनी का पानी पिया हुआ है, वो बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, ऐसे उनके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आज आपकी क्या कंडीशन है, तो वो बताएंगे कि साहब ऐसा होता है वैसा होता है, बड़ी बड़ी फेंकेंगे। लेकिन आज वो कैसे होंगे वो आपको उनकी बात करने से ही पता चल जाएगा। अब उनके पीछे रीजन क्या है कि भाई आपको तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाए, उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे वो किसी भी कॉन्सेप्ट पर टिक के काम नहीं करते, पहली चीज बंदर जैसे रहते ना, इधर से उधर उधर से उधर, तो साला ना इधर के ना उधर के ना उधर के ना घर के ना घाट के, वैसे उनके काम रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों से आपको बचना होगा चाहे वो किसी भी फील्ड के हों। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके लोग काम नहीं करते हैं और फिर सफल नहीं हो पाते। देखो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, ठीक है, अगर मान के चलो हम रनिंग करने जाते हैं, हम एक दौड़ में दौड़ते हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर रहते हैं, एक प्रतियोगिता होती है और साथ में 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप भी उसी में दौड़ रहे हो, और आप अगर ये सोचते हो चलो यहाँ पर मुझे फर्स्ट आना है या फिर मुझे यहाँ पर अच्छी रैंक लगानी है, और आप रनिंग करते हो, सबके साथ में रनिंग करते हो, बढ़िया रनिंग करते हो, और आपको पता चलता है अरे बगल में तो और मस्त तरीके से रनिंग हो रही है या फिर कोई लड़कियाँ दौड़ रही हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ है, तो चलो उस ट्रैक पे जाके दौड़ते हो, तो आप इधर से भी गए और उधर जब तक पहुँचे जब तक वो आगे निकल गए तो आप उधर भी पीछे हो गए। तो ऐसे ही आज के टाइम पे इन लोगों के हाल हैं, ये तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं और बीच में से निकलते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो सफल हो पाते हैं ना ही लोगों को सफल कर पाते हैं। साथ में एक चीज़ और, इन्हीं की वजह से कुछ लोग इनके जब संपर्क में आते हैं, इनके जब सुझाव लेते हैं, तो इनका जो मन है, उनका मन और इनका मन मिलता है, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो ऑलरेडी अच्छे काम कर रहा होगा, किसी कंपनी में टिक के काम कर रहा होगा, अच्छे लेवल पर होगा, तो वहाँ से आपको इस चीज़ की रियलिटी होगी कि हाँ ये जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इसमें कितनी अच्छी और कितनी बड़ी इनकम आप लिख सकते हो कम टाइम के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको बताने बैठूँ तो घंटों निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।